हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? एकदम मस्त। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। जो भी छूटे अधूरे काम है वो आज हम पूरा करेंगे, और जो भी गिने चुने न्यूमेरिकल रह गए वो आज हम सॉल्व करेंगे। लगभग 17-18 न्यूमेरिकल्स है भाई, ओवरऑल लास्ट न्यूमेरिकल्स है। अगर ये न्यूमेरिकल्स आपको आ जाते हैं, ठीक है, तो लगभग समझ लो आपके एग्जाम की फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। तो एक बिट वाइज बिट, यानी छोटे छोटे स्टेप्स में अगर चीजों को आप कंप्लीट करोगे ना, तो वो जाके जब आप बहुत सारे स्टेप्स जब आप कवर कर लोगे सक्सेसफुली, अच्छे से कवर अप कर लोगे और उन स्टेप को जोड़ोगे, तो आप देखना आपका लगभग पूरा जो डोमेन है सक्सेस का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आज जो हम डिस्कस करेंगे भाई, इसमें जो भी छूटे न्यूमेरिकल से वो करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ नया भी आज सीखने को मिलेगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो भाई ये आखिरी वीडियो है इस चैप्टर की, इसके बाद ये चैप्टर लगभग आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको और ज्यादा इसके अंदर महारत हासिल करनी है, मास्टरी हासिल करनी है, तो भाई मेरा एक ही सजेशन है, जितने न्यूमेरिकल्स आप बनाओगे उतनी ही आपको इसके अंदर नॉलेज होती जाएगी, इस चैप्टर की नॉलेज होती जाएगी, फिजिक्स को समझने का और फिजिक्स को आसान बनाने का बेहतर तरीका मिलता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के इस लेक्चर को, जो काफी इंपॉर्टेंट, खास और हर एग्जाम के लिए, लगभग 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 हर किसी एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आप दोगे इन द फ्यूचर, ठीक है, उन सब में लगभग यहां से एक आध क्वेश्चन जरूर टपकता ही टपकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, ठीक है, ये जो लेक्चर है वाला, ये आप कह सकते हो कि दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज पार्टिकल एंटरिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी पे बेस्ड ही पूरा का पूरा जो डीपीपी हम सॉल्व करने जा रहे हैं वही है, डीपीपी 8 आप कह सकते हो, ठीक है, या 7 न्यूमेरिकल्स, 7 डीपीपी है ये। तो लेक्चर की पीडीएफ आपको वही सेम, मतलब जो लेक्चर के जो डीपीपी है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्रेजी फॉर फिजिक्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, पहला क्वेश्चन देखो, जल्दी से रीड कर लो खुद भी एक बार। विच अमंग द कर्व शोन इन कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। पूछा गया इनमें 5 फिगर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा फिगर, कौन सा कर्व इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को शो नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने करवाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड, प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो। क्रेजी फॉर फिजिक्स नाम से चैनल है, ठीक है, तो काफी अच्छी अच्छी वीडियोस, मतलब काफी अच्छी अच्छी ऑथेंटिक क्वेश्चन जैसे वाली वीडियोस मैं इसमें डालता रहता हूँ, तो प्लीज जरूर देखो इन्हें, ताकि ये जो क्वेश्चन आप हम करने जा रहे हैं आज, इन सबके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला है कंडक्टर, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या कहना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कहना यह है कि भाई किसी भी कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। किसी भी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना, रेड वाला सही चल रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये जो आप एरो देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एरो है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टर है। हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि आप ये कह सकते हो भाई कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उतनी, जितनी एंटर करती है कंडक्टर में उतनी एग्जिट भी करती है, ऐसे आप सोच सकते हो। या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होती है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता है, या टोटल चार्ज होता है इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। अगर कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर है तो वो टोटल चार्ज होगा बाहर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। है यहाँ पे, क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, क्या ये परपेंडिकुलर है, कुछ भी उठा लो क्या ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कोई भी टेढ़े मेढ़ा सरफेस होगा उस पे एकदम 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन पास होगी, यही तो परपेंडिकुलर हो गया, बट ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों। तो यानी पहला वाला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं शो करेगा, ये है ही नहीं, लाइन ऑफ फोर्स ये शो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसका रीजन भी यही है। दूसरा वाला केस देखो, देखो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा है। देखो पहला वाला तो शो कर रहा है भाई, पहला वाला शो कर रहा है, ठीक है, बट लेकिन ये फील्ड लाइन ऐसे कैसे हो गई, ये ऐसे कैसे हो जा रही है भाई, ये तो ऐसे होनी चाहिए, फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज से निकलती है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो भाई ये यहां तक तो ये ठीक था, लेकिन जैसे इन्होंने इसको इधर कर दिया, ये बात भाई पल्ले नहीं पड़ी,
ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात बच्चों देखो, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, भाई फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से कब से निकलने लग गई भाई, कभी नहीं निकलती। तो फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इसका एंड हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तबादला एंड नेगेटिव चार्ज पे होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस निकल नहीं सकते, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव करते हैं, भाई हाउ इज पॉसिबल, मजाक चल रहा है क्या भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेप्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। दूसरा तीसरा वाला पार्ट देखिए बच्चों, तीसरा वाला दो लाइक चार्ज है यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव है भाई। ये देखो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि फील्ड लाइंस एक लेंथ वाइज क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एक तरह से, और रिपेल कर रही है फील्ड लाइंस। यहाँ पे क्या कर रही है, फील्ड लाइंस रिपेल भी कर रही है, रिपेल कर रही है, इसका मतलब रिपेल करने का मतलब भाई अगर दो पॉजिटिव चार्ज का एक दूसरे रिपेल करते हैं तो लाइन ऑफ फोर्स भी क्या करे, रिपेल करती हुई नजर आएगी। तो भाई दूर दूर हट रही है एक दूसरे के चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, इसके अंदर सी वाला फिगर एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। और ऐसा हमने बनाया भी था, नेगेटिव नेगेटिव के लिए बना रखा था हमने और पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए हमने ड्रॉ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखो डी वाला पार्ट, इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है यहाँ पे जैसे इन्होंने दे रखा है, जैसे इन्होंने दे दिया भाई कि ये तो क्या हुआ, इसको मिटा देते हैं भाई, है ना, चलो यहाँ पे ऐसे दे दिया भाई, एक पॉजिटिव चार्ज ये, एक पॉजिटिव चार्ज ये, एक पॉजिटिव चार्ज ये, भाई ये कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अगर तीन पॉजिटिव चार्ज ऐसे है और आपको बोला जाए इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप कैसे दिखाओगे? तो पहले हम देखो इन दोनों को देखते हैं जरा, अगर इन दोनों को हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रिपेल करेगी इन दोनों की, है ना, ऐसे रिपेल करनी चाहिए, ठीक है जी, ये ऐसे ऐसे रिपेल हो जाएगी, ओके ठीक है, ये ऐसे ऐसे रिपेल हो जाएगी, सेम इसके भी केस में ऐसे ऐसे रिपेल होगी, है ना, ये ऐसे ऐसे रिपेल हो जाएगी, ओके ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा, मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया, मैं एक दिखा रहा हूँ ड्रॉ के, बाकी उसका तो एक्सप्लेनेशन में दूंगा ही। अब इसका आपस में तो भाई ऐसे तालमेल बनना चाहिए, है ना, तो इस तरीके से सेम भाई इसके साथ भी ऐसे तालमेल बनेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ध्यान रखना भाई इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तीन पॉजिटिव चार्ज का, तो भाई रिपेल होगी, सिंपल सी बात है, इंटरसेक्ट तो कहीं नहीं करती ना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है? कभी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाले रीजन में, देखो यहाँ पे ये वाला रीजन, ये वाला पॉइंट पॉइंट देखो, ये वाला देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, भाई ये सारी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब ये देखो यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे दो सरफेस दे दिया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज, भाई कई हद तक तो मैं इससे संतुष्ट हो चुका था कि भाई ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है, बट ये बीच में क्या बना दिया है ना, लूप होल बना दिया, भाई लूप होल तो बनते ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती बच्चों, बनाती है नहीं बनाती, ये क्लोज लूप बन रहा है, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। चलिए अगला सवाल करते हैं, अब हम शोज द ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे तीन चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रखा है, दो चार्ज प्लेट आप कह सकते हो, पूछा गया है तीनों चार्ज का साइन बताइए और कौन सा पार्टिकल का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है। क्वेश्चन समझ लो पहले, देख लो यहाँ पे तीन पार्टिकल है, वन टू थ्री एक लाइन से, अब यहाँ पूछा गया इन तीनों चार्ज पार्टिकल का साइन क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो भाई इन पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये दोनों पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दो जब अनलाइक चार्जेस कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है, क्लोज बाय आते हैं, नियर बाय आते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, अट्रैक्शन, ओके। और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो तीसरा पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, जो पहला और दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और तीसरा चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव। अब पूछा है कि भाई किस चार्ज पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशियो, क्यू बाय एम का रेशियो किसका ज्यादा है, अब इसके लिए क्या करें, देखो हमें एक बात बेरा से कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या होता है, क्यू ई के बराबर होता है,
और यही जो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यू ई बाई एम। भाई ये भी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, ठीक है, याद रखना, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है भाई, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा भाई, कौन सा चार्ज पार्टिकल है भाई, किस चार्ज बाई रेशियो, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। लेट्स सी, पहले एक रिलेशन देखते हैं। तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका यू जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा, 1/2, एक ही जगह क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू में टी स्क्वायर। भाई दोनों तीनों पार्टिकल सेम टाइम में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, क्यू बाई एम के बराबर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, क्यू बाई एम। तो भाई जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका चार्ज बाय एम का रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप बच्चों ये रिजल्ट याद रख लेना, जब भी ऐसा सवाल आता है तो चार्ज अपॉन मास का जो रिलेशन है, रेशियो है, वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो भाई इसमें सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट डेविएट कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सा पार्टिकल किस चार्ज प्लेट के पास डेविएट हो रहा है, मुड़ कौन सा रहा है, आप देख सकते हो तीसरा पार्टिकल सबसे ज्यादा मुड़ेगा। भाई ये देखो यहां से आप लगा लो कितना नीचे तक आते जाते, झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है ना, ये देखो ये कितना झुक गया, देखो ये देखो, ऐसे लगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो आखिरी में ये वाला, और आखिरी में ये वाला, और आखिरी में ये वाला, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट जिसका ज्यादा होगा उसका चार्ज बाय मास का रेशियो ज्यादा होगा। तो आंसर क्या है भाई, तीसरे का आंसर ज्यादा है, तीसरे का चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा, ओके, तीसरे का चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। वाह देखो ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, इसमें डेरिवेशन है, पहली तो इसके अंदर आप डेरिवेशन समझ लो, और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बहुत। इससे हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक तो यहाँ पे, एक आगे जाके और पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2mv² x को। चलिए है क्या ये सवाल, देखिए एक चार्ज पार्टिकल m है जिसपे चार्ज माइनस q है, एंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इनिशियली मूविंग अलोंग x एक्सिस, ठीक है, विद स्पीड v x लाइक द पार्टिकल वन। अच्छा ये लाइक पार्टिकल वन जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कह दिया, ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज। ओहो देखो क्वेश्चन का पहले सिनोरियो समझते हैं भाई, सीन क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ इन्होंने बोल दिया कि कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, मैं यहाँ पे ड्रॉ यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से, या इसको यहाँ नहीं, यहीं पे बनाते हैं सामने, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, और कुछ ये होगी हमारी चार्ज्ड प्लेट, ठीक है, ये चार्ज प्लेट है, ये इस तरीके से चार्ज प्लेट है, रेड्रो देखो लेट करते हैं कि भाई ये है पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट और यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, राइट, क्या बोले जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास एम है, माइनस क्यू चार्ज, कौन सा चार्ज है, कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, राइट, माइनस क्यू चार्ज, ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है ऐसे करके, फाइन, ओके, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, राइट, चलो यहाँ पे इस प्लेट की जो टोटल लेंथ है, इस प्लेट की लेंथ कितनी है, इस प्लेट की जो टोटल लेंथ है यहाँ पे, इस प्लेट की जो टोटल लेंथ है यहाँ पे, इस प्लेट की यहाँ पर जो टोटल लेंथ है,
इस प्लेट की टोटल लेंथ एल हो गई, ठीक है। हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर फार एच पर, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है ये हमें निकालना है। ये सवाल है भाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है और चार्ज पार्टिकल कैसा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसका मास एम है। अब देखिए इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है? वी एक्स, एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा है। किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई ये। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। और ये फोर्स किसके बराबर होता है? ये फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स होता है क्यू इंटू में ई। भाई यही फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो यहां से भाई एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, क्यू ई बाई एम। ओके, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसलिए चार्ज का जो भी माइनस साइन है वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल टाइम टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कवर डिस्टेंस एल। एल डिस्टेंस के लिए बोला मैंने, बाय प्लेट की जो लेंथ है पूरी वो एल है, इसके बीच में डिस्टेंस सपोज वाई है, वर्टिकल आप ऐसे कह सकते हो, कई बार तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो भाई प्लेट की जो लेंथ है वो एल है पूरी, प्लेट की क्या लेंथ एल है। तो इसके फार एज पे, यहाँ पे इसके एज पर, फार एज का मतलब ये वाला, इस वाले फार एज पर, यहाँ पर फार एज पर, यहाँ पे इन्होंने पूछा है इसके फार एज पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा वो निकालना है। तो भाई टाइम टेकन, पूरी लेंथ को कवर करने के लिए टाइम कितना लग जाएगा? टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, यही तो होता है। टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। भाई डिस्प्लेसमेंट जो चार्ज, जो यहाँ पे प्लेट है, चार्ज प्लेट, उसकी लेंथ हो जाएगी पूरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब आगे देखिए, अब आगे हमारे पास क्या है? डिफ्लेक्शन निकालना है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें पता है, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है ना। भाई यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा ये यू वाई होगा। अगर आप देखो वर्टिकल केस में जो इनिशियल स्पीड है वो जीरो है ही नहीं, तो यानी यू बाई जीरो, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी। तो बचा क्या? ओनली हाफ ए वाई। ए की जगह क्या पुट करेंगे हम? क्यू ई बाई एम। और टी की जगह क्या आ जाएगा? एल। तो क्यू ई एल स्क्वायर बाई टू एम वी स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों वो ये आ जाएगा, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन टू एम वी स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। ओके, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। टू एम वी स्क्वायर ही आ रहा है, यही रिलेशन है पूरा, चेक कर लो, हमने यही वेरीफाई किया है, राइट। तो ये हमने ड्राइव कर दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और कई सारे सवालों में इसका यूज भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसके बेसिस पर हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसमें एक न्यूमेरिकल और पूछा गया है, ठीक है। एक और पेज ले लेते हैं हम, नया पेज ले लेते हैं। इसका जो बी पार्ट है, जरा हम बी पार्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट क्या है। तो बी पार्ट में देखो भाई, एक बार पढ़ लेते हैं। सपोज दैट पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, क्या है? पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी एक्स। इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, देखो ये रहा सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ बोला है कि मान लो जो पार्टिकल है, ठीक है, इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी एक्स। तो भाई वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, राइट। और ई बिटवीन द प्लेट सेपरेटेड बाय, भाई प्लेट का जो डिस्प्लेसमेंट है 0.5 सेंटीमीटर, प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है? यानी 5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया भाई? प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा था 9.1 × 10⁪ न्यूटन पर कूलम। पूछा गया वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। अपर प्लेट मतलब ये वाली प्लेट को इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, कहाँ जाके इसको ये हिट करेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे एंटर कर रहा है, वेलोसिटी वी एक्स है, राइट। तो चलिए यही हमें निकालना है। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, क्या था? वाई इक्वल टू
एल स्क्वायर बाई टू एम वी स्क्वायर एक्स। हमें ये एल निकालना है, हमें क्या निकालना है इस केस में, एल निकालना है, ध्यान रखना हमें एल निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी गिवन है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एम वी स्क्वायर एक्स इंटू में वाई और अपॉन में क्यू ई, ठीक है, का अंडर रूट। चलो अंडर रूट हम बाद में लगाएंगे, पहले स्क्वायर ही रहने देते हैं। ओके, यही था फॉर्मूला, चेक करो जो हमने रिलेशन अभी ड्राइव किया था यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, यही तो रिलेशन है, क्यू ई एल स्क्वायर बाई टू एम वी एक्स, क्यू ई एल स्क्वायर बाई टू एम वी एक्स, टू एम वी स्क्वायर एक्स, राइट, टू एम वी स्क्वायर एक्स, है ना, वी स्क्वायर एक्स ही लिखा है ना हमने इसमें, यस वी स्क्वायर एक्स। चलिए अब सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करनी है बस ओनली। देखो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना है, इलेक्ट्रॉन बोला कुछ हुआ, इलेक्ट्रॉन बोला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10³-31। वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई, वेलोसिटी 2 × 10⁶, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, 2 × 10⁶ और इंटू में वाई कितना है, अच्छा इसका स्क्वायर भी होगा ना, इसका स्क्वायर होगा, वाई कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻³, सॉरी 5 × 5 × है ना, 5 ही है ना, 5 × में देखो 5 × 10⁻³ वैल्यूज पुट कर रहे हैं बस सारी, हम और कुछ नहीं कर रहे इसमें, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, डिवाइड में, ठीक है, डिवाइडेड में, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, क्यू ई, क्यू कितना है भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁻¹, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 9.1 × 10⁻¹, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एल स्क्वायर आ गया, किसकी वैल्यू देगा हमें, एल स्क्वायर की वैल्यू देगा, याद रखना है एल स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू है एल स्क्वायर की। ओके चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको, अब कैलकुलेशन है, देखो 9.1 कट गया, ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10 × 4 = 40, तो 40/1.6 है ना, 2 × 5 = 10, 40/1.6 हो जाएगा भाई, 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 40, ठीक है, इंटू में 10⁻³, देखो −31 और यहाँ पे 12 आएगा, −31 और 12 कितना हो गया, −19 × 10⁻³, डिवाइड में कितना है, 10⁻¹⁹ और × 10⁻³, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, है ना, कट गई ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 × 400/16 आ जाएगा, 16 से काटोगे तो 25 पे कटेगा, 16 × 1 = 16 × 32, 16 × 5 = 80, ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा, और इंटू में 10⁻³, यहाँ पे −3 और 2 है तो −5 हो जाएगा, राइट। अब देखो ये एल स्क्वायर आया, ये कितना आ गया एल स्क्वायर, तो मैं इसको ना थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, 25/10 × 10⁻¹⁴, ऐसे लिखता हूँ ताकि कैलकुलेशन स्क्वायर रूट ईजी हो जाए। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 25/10 × 10⁻¹⁴, 25 है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, 10 किसका स्क्वायर होगा, 3.3 के आसपास सेलेक्ट कर लेना, इंटू में 10⁻³ ही क्या हो जाएगा, −2 हो जाएगा, अंडर रूट करोगे तो पावर हाफ हो जाती है, 3 से काट लो इसे, 0.3 × 3 सॉरी ओनली 1.3 × 1 = 3 और कितना आ जाएगा, बचा कितना यहाँ पे, 33 170 और 8 × 7 × 6 × 6 × 6 × 5 5 पे और चला जाएगा, 1.5 के आसपास आएगा, तो 1.5 × 10⁻²⁪ मीटर, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई जो प्लेट की लेंथ हो जाएगी वो लगभग आ जाएगी 15 मिलीमीटर, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो जो पार्टिकल है यहाँ पे जाके क्या करेगा, हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरा, काफी नायाब सा सवाल है। देखिए यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, एक इलेक्ट्रॉन जो है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब वाई की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से फॉल कर रहा है, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। देखो पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल कराया,
ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया और उसके बाद एक प्रोटॉन को फॉल कराया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पूछा गया है कि विच पार्टिकल विल टेक मोर टाइम, तो मैं यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया, फिर प्रोटॉन को फॉल कराया, फिर बोला है कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में पहुंचेगा, ठीक है, या कौन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पहुंचेगा। ये सवाल कुछ इस तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में भी सवाल पूछ रखा है, सीबीएसई में भी सवाल आ रखा है, ओके, दोनों में सवाल पूछा गया भाई। तो जरा देखते हैं इसको है क्या माजरा इसका भी। देखिए पहले क्वेश्चन समझो, टाइम के बारे में पूछा है इन्होंने, क्या पूछा टाइम के बारे में। हमें ये पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू ई के बराबर, और ये फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम के बराबर। देखो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटोन हो, दोनों पे इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो ई बाई एम हो जाएगा, बस मास का अंतर है कि मास ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और उसके लिए डिफरेंट होता है। तो देखिए अब पार्टिकल नीचे फॉल कर रहा है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रिलेशन आपने पढ़ा था, ये तो रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। टाइम की बात आ रही है यहाँ पे, टाइम किस कौन कौन ज़्यादा पार्टिकल टाइम लेगा, ठीक है। तो वाई हमारे पास निकालना है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाई इनिशियल स्पीड दोनों की जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू ई बाई एम इंटू में टी स्क्वायर। तो अगर हम देखें जो टाइम है, ठीक है, टाइम टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2my/ee हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 2my/ee हो जाएगा। अब देखिए टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास ऑफ पार्टिकल होगा। अब हमें पता है प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, है ना, तो यानी टाइम ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर एज कंपेयर टू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन विल टेक द मोर टाइम एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ओके। तो जिसका मास ज्यादा वो टाइम ज्यादा लेगा, वाई भी सेम है, ई भी सेम है, ई भी सेम है, ठीक है, तो इसलिए मास पे डिपेंड करेगा भाई, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा वो पार्टिकल ज्यादा समय लेगा। तो देखिए क्या अजीब ही बात है, ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई उसका भी कहीं ना कहीं रोल है, ये कहीं ना कहीं जो स्पीड है, अगर पार्टिकल ज्यादा हैवी है तो इसकी स्पीड को कम कर दे रहा है, और पार्टिकल अगर थोड़ा लाइट है तो इसकी स्पीड को वो ज्यादा कर दे रहा है। तो आप ये समझ सकते हो ये सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कमाल है पूरा का पूरा, इसलिए आपको रिजल्ट अपोजिट देखने को मिल रहा है। अच्छा इसी में एक सवाल और पूछा जाता है बच्चों, दोनों का समय निकालना होता है, दोनों का समय निकाल लोगे, वैल्यूज पुट कर देने इसमें सारी, इसमें आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट कर देनी इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर आप सारी वैल्यू पुट कर देना तो दोनों का समय निकल के आ जाएगा। तो ये भी एक सवाल एग्जाम में पूछा गया, दोनों कितना समय लेंगे, तो आप टाइम निकालना जरा, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई क्या आंसर है, थोड़ा आंसर दिया करो, पार्टिसिपेट करा करो, तो आपको भी अच्छा लगेगा भाई हमारा आंसर ये आ रहा है, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ ये डीपीपी है भाई, डीपीपी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, क्रेजी फॉर फिजिक्स से, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, और भाई यूट्यूब पे तो चेक कर ही लेना, ठीक है, काफी काम की चीजें कराते रहता हूँ, एग्जाम के इंपॉर्टेंस से भी और कॉम्पिटिशन के एग्जाम से भी, ठीक है, तो दोनों के लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे जाके आप बहुत सारे एग्जाम दोगे, सीयूटी का दोगे, नीट का दोगे, जेई का एग्जाम दोगे, तो और बहुत सारे फिजिक्स लेवल पे आप एग्जाम दोगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए अच्छी, एकदम तगड़ी होनी चाहिए। चलो अगला सवाल है, तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटोन है ये, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये प्रोटोन है, राइट। एक प्रोटोन फॉल्स, अ प्रोटोन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक प्रोटोन फॉल होता है, वाई कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, मतलब भाई 2 × 10⁻²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 ⁻·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 ⁻
0.34 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। राइट, क्या पूछा गया पहला? एक्सेलरेशन पूछा गया। पहला क्या पूछा गया सवाल? एक्सेलरेशन। हमें पता है, सिंपल सी बात है, प्रोटोन की बात चल रही है, प्रोटोन की बात चल रही है, तो भाई फोर्स, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है या फॉल करता है तो उस पर क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और ये फोर्स क्या होता है? क्यू ई के बराबर होता है, और यही फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यू ई अपॉन में एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यू ई बाई एम। चार्ज क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑन द पार्टिकल, भाई प्रोटोन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.34 इंटू 10 की पावर 3 बट्टे में
बट्टे में मास ऑफ प्रोटॉन 1.1.67 इंटू 10 की पावर -27, यही तो होता है ना, ऑलमोस्ट इतना ही होता है। तो देखिए लगभग ये दोनों कट जाएगा, है ना, ये दोनों ऑलमोस्ट कट जाएगा, ये दोनों ऑलमोस्ट कट जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ, फिक्स आंसर निकालना तो आप सारी वैल्यू पुट कर लेना भाई, आप उनको कोई एतराज नहीं से। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कट गया दोनों तो क्या आ जाएगा, 3.34 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 3, -19 प्लस 3 -16, और 27 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा तो -16 प्लस 27 कितना हो गया 11। तो भाई इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सलरेशन 3.34। अब आगे पूछा है टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस, टाइम कितना लेगा भाई, टाइम निकालना है नेक्स्ट जो सवाल है इसमें टाइम का है। तो भाई हमें जो सेकंड पार्ट पूछा गया टाइम कितना लेगा ये प्रोटॉन फॉल होने में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करने में, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, वही सेम फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास। वाई कितना है 2 × 10⁻², राइट, यू हमारे पास जीरो हो जाएगा, इनिशियल स्पीड तो जीरो है भाई, तो क्या बचा 1/2 एक्सेलरेशन 3.34 × 10⁻¹¹ इंटू में टी स्क्वायर, राइट, दो दूनी कितना हो गया 4 × 3.34, ठीक है, और इंटू 10⁻², -2 और -11 कितना हो जाएगा -13 इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस हटा दो, इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर लो, इसको 33 लेट कर लेते हैं, ये कितना हो गया 33 लेट कर लेंगे, 33 से काट दो इस 4 को, तो ऊपर आगे कितना 40 हो गया, तो 1.1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा 1. और कितना बचा 70, 33 से कम 33, 33 दूनी 66, है ना, 66 बचेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ आपका 40 बचा, और 33 एकम 33, तो यानी 1.21 इंटू 10⁻¹ -13, 13 है ना माइनस में, तो एक काम करो इस -13 को हटा के नीचे ना 10 लिख दो, या एक काम ऐसे करते हैं हम यहाँ से माइनस डेसिमल को ना लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये कुछ कितना हो जाएगा 0.121 हो जाएगा, 0.121 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14 के आसपास। ऐसे भी काम नहीं बनेगा, थोड़ी कैलकुलेशन इजी करते हैं इसको, हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये कितना आ गया 1.21 इंटू में 10⁻¹ -13 को -12 कर लो और नीचे 10 लिख दो। अब निकाल लो इसका अंडर रूट, जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट में चला जाएगा, मानते हो नहीं बात, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट करोगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है, इरेज करते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.21, किसका अंडर रूट होता है 1.1 का होता है, रूट 10 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, रूट 10 का अंडर रूट 3.2 के आसपास, अंडर रूट 10 जो होता है बच्चों इसको लगभग आप लेट कर लेना 3.2 इसका अंडर रूट होता है, याद कर लेना बहुत जगह यूज हो जाती है -6। अब इसको डिवाइड करना है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा वैसे तो, ठीक है ना, और इसको आप एक काम करो पहले 4 से काट लो, 4×8=32, 4 से इसको काटोगे तो 4×8=2.4, 4×28=4, 25, फिर 8 से आप सीधे काट दो, देखो 8×3=24, 8×3=24 बचा कितना, आप यहाँ पे 4 और 24 हो गया ना, 3 और 5, 8×32, 32 32 3 0, 8×3=24 और इंटू 10⁻¹। थोड़ा और सॉल्व करो, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर लो, थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, -7 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा भाई, ठीक है, इतना समय लगेगा उस प्रोटॉन को फॉल होने में। तो देखो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होती है, जरा सीख लेना। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल भी लगभग ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया है। यहाँ पे क्या सवाल है, एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है 10⁻³ kg, चार्ज इसके पास 5 μC और इसकी स्पीड है 20 m/s और ये एंटर करता है अगेंस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है 2 × 10⁵ N/C, कितना समय लगेगा इसको रेस्ट में आने से पहले, ठीक है, तो रेस्ट में आने के लिए इसको कितना समय लगेगा, मतलब रेस्ट में आते आते इसको कितना समय लग जाएगा। तो देखिए मास ऑफ चार्ज पार्टिकल 10⁻³ kg, राइट, चार्ज कितना है इस पे 5 μC है, यानी 5×10⁻¹ हो जाएगा। अब स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है 20 m/s, स्पीड कितनी है 20 m/s है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2×10⁵ N/C,
देखिए स्पीड इतनी है, नेगेटिव डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और ये फोर्स किसके बराबर होता है जी, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, राइट। हमें तो टाइम कैलकुलेट करना है, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालें, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम हो जाएगा। भाई पार्टिकल का मास वास सब दे रखा है, वैल्यूज पुट कर दो, तो 5 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है बाबा, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे 2 × 10⁵, राइट, अपॉन में मास। मास कितना है, मास 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 आया आया मास आया 10⁻³, ठीक है, इतना मास दे रखा। सॉल्व बोलो, 5 × 2 = 10, 10 × 10⁻⁵ जमा में 5 कितना हो गया, -1, -1 जमा में 3 कितना हो जाएगा, माइनस यानी +2, तो लगभग 1000, 1000 मतलब 10³, सीधे लिखते 10³, क्या लिखेंगे हम, 10³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना, 5 × 2 = 10 हो जाएगा भाई, सब कट जाएगी वैल्यू, -1 और जमा में 10 हो जाएगा, तो 10³, तो -1 जमा 3 2 हो जाएगा, ठीक है, 10³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, हमें क्या है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, देखो फॉर्मूला हमें पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, -2 AS आ जाएगा। माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, माइनस इसलिए लगाया भाई क्योंकि, माइनस क्यों लगाया मैंने, माइनस इसलिए यूज किया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसको अप्लाई किया गया है, तो भाई फोर्स नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, भी कह सकते हो, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन रिटार्डिंग हो जाएगा, ठीक है, रिटार्डिंग है तो रिटार्डिंग के लिए फॉर्मूला होता है। तो फाइनल स्पीड क्या है, 0 है, तो -u² = -2as, s निकालना है भाई, डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो u² / 2a हो जाएगा, हाँ, तो हाउ मच डिस्टेंस निकालना है, मैंने टाइम बोल दिया था उस टाइम पे ना, मैं वही सोच रहा था, डिस्टेंस निकालना भाई, डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है, यू कितना है हमारे पास, 20, 20 × 20 अपॉन में 2, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन 10³, एक्सेलरेशन कितना है 10³। सॉल्व कर लो, 2 से 10 पे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग 0.2, 1000 आ जाएगा ना, तो भाई 2 0 2 0 कट गया, 2/10 हो जाएगा, 2/10 मतलब 0.2 मीटर, तो इतना डिस्टेंस के बाद क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा फिर रेस्ट पे आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, 7th क्वेश्चन, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड सवाल है, ये आपको पता है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, एक ऑयल है ड्रॉप जिसमें 12 excess इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल यहाँ पे, 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको स्टेशनरी रख दिया। स्टेशनरी का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है, जब भी किसी पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी की बात करते हैं, यहाँ पे स्टेशनरी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक F=qE, ये किसको बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को, ठीक है, तो यानी फोर्स और जो वेट है दोनों बराबर हो गया भाई, तो सिंपल सी बात है, तो यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे कि देर इज नो एक्सलरेशन इन द पार्टिकल, पार्टिकल में यहाँ पे कोई भी एक्सलरेशन नहीं है, तो फोर्स यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाता है। तो भाई जब हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगता है, एक्सलरेशन उसपे, सॉरी उसपे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्यू ई के बराबर होता है, और ये किसका बराबर हो जाएगा, इस ऑयल के वेट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया हमें, द डेंसिटी ऑफ ऑयल, भाई ऑयल की डेंसिटी गिवन है कितनी, 1.26 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। अच्छा इसको हमें एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा, तो एमकेएस में चेंज करने के लिए 10³ से इंटू कर देना, kg/m³ हो जाएगा। आगे क्या बोला, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप, क्या निकालना भाई, इस ड्रॉप की रेडियस कितनी है, इस ड्रॉप की रेडियस सपोज आर है, तो आर कितना होगा ये निकालना है। जी 9.81 दे दिया, ई दे रखा है 1.6 × 10⁻¹¹ कूलम। चलिए सॉल्व करते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है भाई, रेडियस ऑफ ऑयल निकालना है, ऑयल निकालना है, ऑयल ड्रॉप की रेडियस कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए हमने ये फॉर्मूला लिखा, F=qE=mg,
ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, रखा रहता है, तो उस पर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। और अगर यहाँ पे पार्टिकल स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, पार्टिकल के वेट के बराबर हो जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा ना, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितना चार्ज हो गया, 12 ई चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास है, मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। भाई ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 12 ee, ठीक है, इक्वल टू मास की जगह आ जाएगा रो इंटू में 4/3 πr³ इंटू में जी। ये बात समझ आ रही है, ठीक है, मास हमारा रो इंटू जी, रो इज डेंसिटी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो भाई यहाँ पे जो आर क्यूब है, आर क्यूब क्या बोला मैंने, आर क्यूब वैसे कट रहा है, 4 × 3 = 12, 3 × 3 कितना हो गया 9, सो 9 ee by πr³g। कई बार ना ऐसे एक्सप्रेशन भी ड्राइव करने के लिए बोल दिया जाता है, तो आपको मेक श्योर कि आपको इस तरीके से रिलेशन बनाना आना चाहिए। तो 9 इंटू में ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.55 × 10⁴, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपॉन में, पाई, पाई की वैल्यू कितनी है भाई, पाई की वैल्यू यूज़ कर लो 3.14, ठीक है। आर, आर क्यूब तो यहाँ पे आएगा ना रिलेशन में, सॉरी रिलेशन में आर क्यूब नहीं आएगा भाई, रिलेशन में आर क्यूब नहीं आएगा, इसको मिटा देते हैं, ये नहीं आएगा, ठीक है, आर क्यूब नहीं है, पाई रोजी होंगे, है ना, पाई रोजी आएगा, केवल आर क्यूब नहीं आएगा, पाई रोजी आएगा। पाई की वैल्यू 3.14, जे की वैल्यू 9.8 बोल दे यूज करने, आप एक काम करो 10 यूज कर लेना, और रो की वैल्यू आप क्या लिख लो 1.26 × 10³। ये तो हमने यूज किया, रो कितना हमारे पास, ये क्या, ये रहा रो हमारे पास, kg/m³ में हमने चेंज किया, इसको ध्यान रखना। चलो अब इसको सॉल्व करना है, अभी हमारे पास कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, आर क्यूब है याद रखना, ये आर क्यूब है, बाद में क्यूब रूट भी निकालना होगा आपको। चलो क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे आपको, अप्रोक्सीमेट कैसे निकालते हैं, तो ये 3 से 3 पे कट जाएगा, 3 × 3 होता है, ठीक है जी, कट गया कट गया कट गया कट गया, और कुछ कट सकता है, अगर इसको मैं दुगना कर दूं कितना आएगा, 2 × 6 = 12, ठीक है, 2 × 2 = 4 और 1 = 5 और 2 × 1 = 2 2.52, तो ये भी लगभग कट जाएगा, ये भी कट गया, ये 10 ही लेट कर लो, 16 × 3 कितना हो गया 48, 4.8 × 10³, सारी पावर जोड़ लो, −19 + 4 −15, −15 और −3 कितना हो जाएगा −18, और यहाँ पे कितना है 4.8 आ गया, यहाँ पे एक 10 भी है, बट्टे में 10 भी कर देना, यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो मतलब ये लगभग कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, ये लगभग यहाँ पे लगा लो आप नीचे 100 आ जाएगा, राइट, इस 100 को भी ऊपर ऐड कर लो तो 4.8 × 10⁻²⁰ हो जाएगा भाई, ये तो चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, तो आप एक काम करो छोड़ो इसको, आप इसको ऐसे ही रहने दो, अभी फिलहाल अभी हम इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं, 18 ही रहने दो उसको भाई, उसको हम 18 रहने देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा और लिख देते हैं, 4.8 है ना ये, 4.8 को आप क्या लिख सकते हो, बट्टे में 10 तो आ रहा है भाई, ये 9.8 का 10 आ जाएगा, राइट, ठीक है, 16 × 3 = 48, कैलकुलेशन है अपने आप देख लो, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, तो ये कुछ हो जाएगा 0.048 × 10⁻¹⁸। अब देखो क्यूब हटाना है, अब इस क्यूब को कैसे सॉल्व करें, ये बड़ा सवाल है, आर इक्वल टू 0.48 × 10⁻¹⁸ ⁓। जब यहाँ से क्यूब हटाओगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, देखो 3 से काटोगे 3 × 6 = 18 हो जाएगा, पावर तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गई, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, 0.48 है, 0.48 को मैं 0.480 लिख दूँ, लिख सकता हूँ। अब देखो किसके आसपास का क्यूब होता है, ये किसके आसपास का क्यूब है, 480 किसके आसपास, सॉरी 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब लगभग 512 के आसपास होता है, तो लगभग ये 8 के क्यूब के आसपास होगा, 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है, तो लगभग 8 का क्यूब हो गया, तो 0.08 समझ लो इसको, 0.8, तो यानी 8 × 10⁻¹⁷ मीटर, इतनी ऑयल ड्रॉप की क्या होगी, रेडियस होगी। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन निकालते तो लगभग 9 में इसका आंसर आएगा मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये इस डीपीपी का,
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डीपीपी शुरू हो जाएगी, इसी में मैं उस डीपीपी को सॉल्व करवाऊंगा, इसी वीडियो लेक्चर में आ जाएगी आज ही। ठीक है, देखो ये है, इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन आर देम। आपको पता है क्वार्क्स के बारे में, क्वार्क आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत क्वार्क्स पढ़ा होगा। क्वार्क क्या होता है? क्वार्क इज अ लाइक कहते कहते हैं कि प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है ये भी तीन अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बने। ये दीज आर नॉट अ एलिमेंट्री स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे भी छोटे पार्टिकल है क्वार्क्स। ठीक है, और एक है स्ट्रिंग थ्योरी होती है, स्ट्रिंग पार्टिकल भी सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता, उसका साइज लगभग 10^-34 के आसपास होता है, इतने ऑर्डर का होता है। तो सबसे छोटा पार्टिकल स्ट्रिंग पार्टिकल होता है। तो भाई उस तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी अदर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ फंडामेंटल। लेकिन हम क्वार्क को अलग नहीं कर सकते, आइसोलेटेड क्वार्क अभी तक प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हो कि जो फंडामेंटली यानी कि जो क्वांटम ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो ई ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही क्वांटम ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है। तो नाउ सवाल क्या है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, इसमें तीन क्वार्क होते हैं, कितने होते हैं? तीन क्वार्क। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तीन क्वार्क होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब में तीन क्वार्क होते हैं, वैसे तो तीन तीन क्वार्क होंगे, इसमें भी तीन क्वार्क और इसमें भी तीन क्वार्क है। ठीक है, अब सवाल क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन में तीन क्वार्क है यहाँ पे, तो क्या पूछा गया है यहाँ पे कि जो टू टाइप्स के क्वार्क होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क, इन्होंने इसको यू से डिनोट कर दिया, और एक होता है डाउन क्वार्क, इन्होंने इसको डी से डी से डिनोट कर दिया। अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है 2/3 e के बराबर, डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है -1/3 e के बराबर होता है। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। अब पूछा है कि भाई इस प्रोटोन में कितने अप और कितने डाउन, और इस न्यूट्रॉन में कितने अप कितने डाउन क्वार्क है। देखो प्रोटोन पे टोटल कितना चार्ज होता है, प्रोटोन पे टोटल चार्ज होता है ई। ई का मतलब अगर हम देखें 2/3 + 2/3 - 1/3, अगर हम ऐसे ऐड करें तो कितना आएगा, 4 - 1 = 3, 3/3 कितना हो गया, 1 हो गया। तो मतलब इसमें दो अप क्वार्क होना चाहिए और एक डाउन क्वार्क होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन पे टोटल ई कितना होता है, 0 होता है, नो चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई 2/3 - 1/3 - 1/3 ऐसी कंपोजिशन होनी चाहिए। तो ये हो गया अप क्वार्क यू डी डी। तो भाई जो प्रोटॉन है वो दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से बनेगा, मतलब 2/3, ठीक है, और इंटू में 2 और इसके बाद -1/3। और जो न्यूट्रॉन है उसमें, न्यूट्रॉन में क्या होगा, न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होगा और दो डाउन क्वार्क होगा, यू डी डी करके इसे डिनोट करोगे, तो यानी कि 2/3 - 1/3 × 2। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसकी कंपोजिशन होनी चाहिए। तो प्रोटॉन में दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क और न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क दो डाउन क्वार्क। ठीक है गाइस, सो अब स्टार्ट करते हैं हम अगली अगली डीपीपी। चलिए ये वाला सवाल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और भाई एग्जाम में भी कई बार ये सवाल पूछ चुके हैं, इस तरीके का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड सवाल है, सवाल क्या पहले पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो इस तरीके से दे रखा है, अलोंग एक्स एक्सिस दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस हमें अप्लाई कर रखा है, यानी ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ दे रखा है। वाई जेड पे और जेड वाई सॉरी वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पे जीरो दे रखा है, और अल्फा की वैल्यू बच्चों दे रखी है 800 न्यूटन पर कूलोम। देखिए ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को लेके, मतलब कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक है, बट नहीं है भाई, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल टफ नहीं है। देखिए हमें निकालना है पहले क्वेश्चन में टोटल फ्लक्स, क्या निकालना है इसमें पहले क्वेश्चन में हमें निकालना है टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स क्या होगा, चलिए अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं भाई, फ्लक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई पहले देखो टोटल सरफेस कितने हैं इसके, इस क्यूब के टोटल 6 सरफेस हैं, कितने हैं इसके टोटल 6 सरफेस हैं। 6 सरफेस में 4 सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो 4 सरफेस है वो इलेक्ट्रिक, जो उनके एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। आप देखो जरा खुद सोचो, इमेजिन करो, बस ओनली इन दोनों फेस को छोड़ के, ये राइट वाला फेस है और ये लेफ्ट वाला फेस, इन दोनों फेस को छोड़ के बाकी जो 4 फेस है उनमें जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो भाई कोई फ्लक्स तो होगा नहीं,
यानी लेफ्ट और राइट फेस को छोड़ के बाकी जो चार फेसेस हैं इसके वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है जी, मान लिया। अब हम बात करते हैं भाई दो फेस बचे, एक राइट फेस और एक लेफ्ट फेस। लेफ्ट फेस पे जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ होगा, ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, आप ये कह सकते हो। और इस राइट फेस के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, ये समझो बात। देखिए ये जो फेस है, ये वाला फेस इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स इक्वल टू ए की डिस्टेंस पे होगा। और राइट वाला फेस क्या होगा, ओरिजिन से एक्स इक्वल टू टू ए की डिस्टेंस पे होगा। यही यहाँ पे बस निकालना था, और कोई इसमें कुछ खास नहीं है। तो भाई फ्लक्स ऑन द लेफ्ट फेस, इस लेफ्ट फेस पे जो फ्लक्स होगा माइनस माइनस ई ए के बराबर होगा, ठीक है, ऑन द लेफ्ट फेस माइनस ई ए के बराबर होगा। अब ई क्या हो जाएगा भाई, एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, ए पुट करोगे, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए पुट करोगे, तो अल्फा ए की पावर अंडर रूट हो जाएगा, अल्फा अंडर रूट ए, और इनटू में ए की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। इस ए की जगह आप ए स्क्वायर लिख देना, ठीक है। एरिया ऑफ, ये स्क्वायर शीट है तो क्यूब पे स्क्वायर होते हैं ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ये लेफ्ट फेस पे आ गया, इसे हम फर्स्ट बोल देते हैं। चलिए अब आगे देखो, राइट फेस पे जो फ्लक्स होगा ऑन द राइट फेस, फ्लक्स ऑन द राइट फेस, ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव एल प्लस फाइव आर हो जाएगा। फ्लक्स ऑन द राइट फेस क्या होगा, राइट फेस पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई एल इंटू ए होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो प्लस ही रहेगा ये, ठीक है, ई राइट, सॉरी ई राइट हो जाएगा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, टू ए, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई अल्फा एक्स की पावर हाफ, तो भाई अल्फा तो ऐसे ही रहने दो, अभी अल्फा को आप ऐसे ही रहने दो, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टू ए आ जाएगा, टू ए की पावर हाफ हो जाएगा, और एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर ही रहेगा, राइट। थोड़ा और सॉल्व करोगे इसको तो ये बच्चों कुछ ऐसे हो जाएगा, ए अल्फा अंडर रूट ए, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट टू, आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, अल्फा अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट टू, टू की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 इन दोनों के साथ सेपरेटली मैंने लिख दिया है, इसको हम सेकेंड कह देते हैं। अब टोटल फ्लक्स निकाल लो, टोटल जो फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा फाइव टोटल, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो भाई लेफ्ट फेस पे कितना फ्लक्स है, इतना है, यानी कि अल्फा अंडर रूट ए स्क्वायर क्या है, अल्फा अंडर रूट ए ए स्क्वायर, वो भी नेगेटिव का। राइट फेस पे कितना फ्लक्स है, अल्फा अंडर रूट ए इंटू ए स्क्वायर अंडर रूट टू, तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ये पूरी टर्म कॉमन आ जा रही है, यानी अल्फा अंडर रूट ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, और अंदर क्या बचा, रूट टू माइनस वन, यहाँ पे रूट टू बचेगा और यहाँ पे माइनस वन बचेगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 800 दे रखी है, इस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 800 गिवन है, कितनी है, 800। ए की वैल्यू कितनी है, 0.1 दे रखी है, ठीक है, ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर। रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.41 और माइनस में 1, रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.41 के आसपास होती है। चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लो, 800 इंटू में वो 0.1 है ना, इसको 1/√10 लिख लेना, और 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, और इसको घटाओगे तो 0.41 आ जाएगा। इसको इंटू कर लो, 8 एकम 8, 8 8 एकम 8, 8 4 32, ठीक है, 328 इंटू में 10 की पावर, ये कितना है हमारे पास, 0.01 है, तो इसको हम 10 की पावर माइनस 2 लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाई रूट 10 का मतलब 3.2 के आसपास, रूट 10 का मतलब कितना होता है, 3.2 के आसपास होता है, ओके। ये हमने, मैं लास्ट टाइम बताया था, अंडर रूट 10 की वैल्यू याद रख लेना भाई, काफी जगह यूज हो जाती है, तो 3.2 के आसपास होती है इसकी वैल्यू। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करोगे आप तो देखिए यहाँ से डेसिमल हटा दो, यहाँ पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको पहले ना 8 से काट लेते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 4 बचा नीचे, ठीक, तो अब 4 से काट लेते हैं इसको, हम 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.4 × 8 = 4×5 = 20, इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ से डेसिमल जो हमने हटाया था वो इधर आ गया, यानी ऊपर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1. यहाँ पे आ जाएगा -1, तो 10.25, और ये 10 की पावर -1, यानी कि 1.025 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। अब जो इसमें अगला सवाल पूछा गया है ना, अगला सवाल इसके अंदर जो पूछा गया है वो ये है कि इसमें टोटल चार्ज कितना आ रहा है, टोटल चार्ज क्या होता है भाई, टोटल फ्लक्स और इंटू में एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ पढ़ा होगा आपने, फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो होता है, ठीक है ना, तो टोटल फ्लक्स कितना है हमारे पास, टोटल फ्लक्स हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे वो है 1.025 इंटू में, ठीक है,
एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है जी। चलो ये आ गया, अब इसको आगे सॉल्व करो। इसको हम 9.8.9 लेट कर लेते हैं, इसको हम क्या लेट कर रहे हैं 8.9, ठीक है। इसको हम 8.9 लेट कर ले रहे हैं ऑलमोस्ट, और इसको हम 1.03 के आसपास। सो भाई 9 या 27, 9 एकम 9, 8 या 24, 8 एकम 8, 7 6 11 1 9, कितना आ गया 9167, 9167 इंटू 10 की पावर माइनस 12। डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट है, तो 9.167 कूलम्ब के आसपास टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आंसर है भाई, ये थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, नहीं होती अक्सर बच्चों से, तो देख लेना। चलिए अगला सवाल, तो सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज पॉजिटिव इन द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस इट इज गिवन दैट ई इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 और -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, फॉर एक्स इज लेस देन 0। A right circular cylinder of length 220 cm, radius 5 cm has its center at the origin. ठीक है? Its axis along the x-axis so that the face is at x equal to plus 10 cm and the other is at x equal to minus 10 cm. What is the net outward flux through the each flat face? What is the flux through the side of the cylinder? What is the net outward flux through the cylinder? What is the net charge inside the cylinder? अब देखिए भाई, क्वेश्चन तो काफी लंबी है लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है। चलो इसको हम नए पेज पे करते हैं, इसको हम क्या करेंगे अगले पेज पे करते हैं, इसको हम पहले क्रॉप कर लेते हैं, इसको समझाते हैं जरा डिटेल में इसका। चलो अब ठीक है, अब देखिए सबसे पहला सवाल इसमें पूछा गया कि इसमें फ्लक्स क्या हो। इन्होंने ये बोल दिया कि भाई क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है 200 न्यूटन पर कूलम्ब आई कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव है, यानी कि -200 न्यूटन पर कूलम्ब आई कैप। ओके, रेडियस क्या है इसकी, 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 × 10⁻²⁺ मीटर, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसके फ्लैट फेस, अब इसमें फ्लैट फेस क्या है, पहला क्वेश्चन है फ्लैट फेस, देखो जरा इसके फ्लैट फेस पे कितना फ्लक्स होगा, यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स क्या है, फ्लैट फेस पे आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा। देखो इस वाले केस में एरिया वैक्टर क्या होगा, लेफ्ट वाले फेस पे जो एरिया वैक्टर क्या होगा, -ai कैप होगा, है ना। तो यानी कि हम लेट कर लेते हैं भाई, लेफ्ट फेस पे ये एल हो गया और ये क्या हो गया, राइट फेस हो गया, ये ओरिजिन दे दिया, ठीक है, और टोटल इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। लेफ्ट लेफ्ट फेस पे जो फ्लक्स होगा, लेफ्ट फेस पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है, -ai कैप है। अब -ai कैप क्यों, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। ai कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -200 × a कितना हो गया, ओनली 200 a हो जाएगा, ठीक है। अब a क्या, यहाँ पे एरिया है, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बस इसे निकालना है आपको। तो 200 × में पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस है 5 × 10⁻²। इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर करोगे भाई ये कितना आ जाएगा, 200 × में 3.14, 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁴ हो जाएगा। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लो आगे इसको, सॉल्व करोगे तो 25 × 50, मतलब यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा भाई, 50, 2 जीरो तो भाई यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो -2 हो जाएगा, और 25 × 50, 50 में 1 जीरो और आएगी वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 55 × में 3.14 और × में 10⁻⁹ बचाएगी, 5 × कर लो, 5 × 20, 5 × 5 = 2 = 7, 5 × 3 = 15, कितना हो गया 15.70 × 10⁻⁹। 10⁻⁹ का मतलब 1/10 हो जाएगा, है ना, 1/10 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये पॉइंट है तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, 1.570 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इतना फ्लक्स तो लेफ्ट वाले फेस पे हो गया, अब राइट वाले की बात करते हैं, राइट वाले पे कितना फ्लक्स होगा, राइट वाले में एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस ए आई कैप, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो भाई इसमें भी क्या लगाओगे, ई डॉट ए लगाओगे,
भाई ई डॉट ए इसमें लगाओगे, इसी का सेकंड पार्ट है, जो फ्लक्स ऑन द राइट फेस है, जो एरिया वेक्टर है ई डॉट ए हो जाएगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप है, इसमें भी आई कैप है, एरिया वेक्टर में भी आई कैप है, और आई डॉट आई कैप क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो भाई यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, 200 पाई r² हो जाएगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा, इतना ही जो हमने ऊपर कैलकुलेशन किए, 1.50 न्यूटन मीटर² पर कूलम। ठीक है, और ऐसे हमने क्वेश्चन हमने डेरिवेशन भी की थी, अब तब भी फ्लक्स बराबर था दोनों फ्लैट फेस पे। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो यहाँ पे, ये तो हो गया पहला और दूसरे का आंसर। अब दूसरे का आंसर देखो, मतलब फर्स्ट के दो पार्ट थे उसके आंसर हो गए। बी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर बी, यानी कि सिलेंडर के साइड से कितना फ्लक्स पास होगा। सिलेंडर का साइड मतलब ये सिलेंडर का साइड है, ये वाला, इस वाले साइड से, यहां से यहां पे एरिया वेक्टर क्या होगा। देखो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, एस लेट कर लेते हैं, दैट इज एस जे कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस जे कैप। तो अपवर्ड में एरिया वेक्टर एस जे कैप हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। हमें पता है जो आई डॉट जे कैप होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा ऑन द साइड, वो हो जाएगा ई डॉट एस, ई डॉट एस मतलब 200 i कैप डॉट एस जे कैप, आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, 0 न्यूटन मीटर² पर कूलम। अगला सवाल क्या पूछा इन्होंने, नेक्स्ट जो सवाल इन्होंने पूछा है इसी में सी पार्ट, इसका जरा देखते हैं। सी पार्ट पूछा, व्हाट इज द नेट आउटपुट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। तो भाई तीनों फ्लक्स को ऐड कर दो, लेफ्ट वाले फेस को, राइट वाले फेस को, और ऑन द साइड, ये कर्व वाले फेस को ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाले फेस पे 1.57, राइट वाले फेस पे 1.57, कर्व वाले पे जीरो हो जाएगा। तो 3.14 न्यूटन मीटर² पर कूलम टोटल चार्ज हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। चलो इसका लास्ट वाला पार्ट देखो जरा, यहाँ पूछा गया इन्होंने, टोटल व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर टोटल कितना चार्ज है। तो भाई टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स कितना है 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इनटू 10 की पावर -12, इसकी कैलकुलेशन, इसको 9 लेट कर लो, इसको इनटू कर दो। तो क्या आएगा इनटू करने पे, 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 2 12 और 9 3 27 और 1 28 है ना। सो इनटू में 10 की पावर -12 ये तो होगा ना, 9 चौक 36, 9 एकम 9 3 12, 9 3 27 और 1 28, तो 2.826 इंटू 10 की पावर -11 कूलम, इतना नेट चार्ज क्या होगा, इनक्लोज होगा। ठीक है, ये टोटल नेट चार्ज है। चलो अगला क्वेश्चन तीसरा ही रहा, ऐसा एक टाइप का सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, कोई नहीं। ए पार्ट इन्होंने देखा, देखो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है कितना, इक्वल टू 3 × 10³ i कैप न्यूटन पर कूलम। देखो आई कैप जब भी आ जाए ना, तो आई कैप का मतलब हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे अप्लाई कर रखा है, अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। देखो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, प्लेन किसके पैरेलल है, प्लेन है वाई जेड एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से प्लेन रखा हुआ, ये प्लेन हो गया। ठीक है ना, ये वाला क्या हो गया, ये प्लेन हो गया, ये वाला ये प्लेन है, ऐसे रखा हुआ है। ओके, प्लेन को इस तरीके से रख दिया बिल्कुल। अब यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा, यानी ए आई कैप, राइट। अब हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई डॉट ए होता है, फ्लक्स तो निकालना है इसमें, व्हाट इज द फ्लक्स, ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए का मतलब ई ए कॉस जीरो, दोनों केस में एंगल क्या है भाई, जीरो हो जाएगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई है, राइट, इसलिए हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है, 3 × 10³, एरिया क्या स्क्वायर साइड है ना, तो ए स्क्वायर करोगे, तो 3 × 10³ और एरिया साइड कितनी इसकी, 10 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है वो हमें दे रखिए 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻¹ मीटर हो जाएगी। ठीक है, पुट कर दो इसमें सारी वैल्यूज, तो इंटू में 10⁻²² का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 × 10³ × 10⁻⁴, यानी 0.3 न्यूटन मीटर² पर कूलम, ये आ गया हमारे पास नेट फ्लक्स। चलो आगे हम देखते हैं अगला, इन्होंने अगला जो सवाल पूछ रखा है यहाँ पे, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60° एंगल विद एक्स एक्सिस। देखो इस क्वेश्चन को समझो, इसका मतलब समझो पहले, तो आप
यहाँ अब इन्होंने जो बी पार्ट में बोल दिया है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे अप्लाई कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्होंने कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये बोल दिया कि भाई जो उसका नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल सपोज ये है इसका, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, जो नॉर्मल है एरिया वेक्टर वो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इससे देखो शीट कैसे बनेगी, इसे शीट बना के देखते हैं हम, इससे शीट कुछ ऐसे बनने वाली है, ऐसे करके, ये शीट हो गई। तो ये शीट जो है जिसका एरिया ए है उसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ई के साथ, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, ई ए कॉस 60, सिंपल सी बात है, ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 × 10³ है, एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया वही यूज करना पड़ेगा, ए स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, 2 से काटोगे तो 1.5 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1.5 × 10³, और एरिया क्या हो जाएगा, 0.1 है, मतलब 10⁻¹, तो कितना हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर, यानी 1.5 × 10³ इंटू में 10⁻², तो 1.5 इंटू में 10⁵, यानी कि 15 Nm² per कूलम। एक सेकेंड, हमने उससे पहले वाले कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या, -4 -2 क्यों कर दिया था मैंने, सॉरी -1 है भाई ये, इस वाले में -1 होगा, ठीक है, इस वाले में -1 होगा, तो -2 आ जाएगा, तो -2 का मतलब ये 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, इसका आधा होगा 30 आएगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना भाई, ये 30 आएगा है ना, 0.1 मीटर हो गया ना, 0.1 मीटर। चलो लास्ट सवाल इसका, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। देखिए वैसे तो सी का आंसर 0 आएगा, मैंने इसका थ्योरी में एक्सप्लेनेशन किया था, अगर किसी भी पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म सी पार्ट इसका, अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्यूब को या किसी भी क्लोज सरफेस को अगर हम रखते हैं, तो उससे जो नेट फ्लक्स होता है वो कितना पास होता है, 0 होता है, उससे नेट फ्लक्स कितना पास होगा, 0 होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखो भाई इस लेफ्ट साइड में फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा माइनस का, राइट साइड में फ्लक्स क्या हो जाएगा, प्लस का ई हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, केयरफुल केयरफुली मेजर करने पर ये देखा गया द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द बॉक्स इज, यानी नेट आउटवर्ड फ्लक्स इन्होंने बोल दिया 8 × 10³ Nm² per कूलम। ओके व्हाट इज द नेट चार्ज इन साइड द बॉक्स, बड़ा सिंपल है, फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ लगा दोगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंटू में एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 8 × 10³, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 × 10⁻¹² होता है ना, ये तो होता है। अब इसके बाद सॉल्व कर लो इसको भाई, क्या आ जाएगा, इसको 8.9 लिट कर लो, 8 × 72 = 7, ठीक है, 8 × 8 = 64 और 60 = 7 कितना हो गया, 71 हो गया, तो 71.2 × 10⁻¹⁹, यानी 7.12 × 10⁻¹⁸ कूलम, इतना चार्ज भाई बॉक्स के अंदर होगा। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट, दिस इज नॉट ट्रू। बी ऑप्शन में पूछा है कि भाई इन्होंने बोल दिया कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है, ठीक है भाई फ्लक्स 0 हो रहा है ना, फ्लक्स 0 तो क्या हुआ, चार्ज है या नहीं उससे क्या फर्क, भाई कोई क्लोज सरफेस है और मान लो अगर यहाँ पे डाइपोल रख दिया तो क्या करोगे, तो टोटल चार्ज तो डाइपोल पे वैसे 0 होता है, ठीक है, अगर टोटल चार्ज डाइपोल पे 0 है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। ओके तो डाइपोल होगा तो भाई नेट चार्ज हम कह सकते हैं, नेट चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने से चार्ज 0 हो जाए, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, तो मतलब देर देर वर नो चार्जेस, कोई चार्ज नहीं है उसके अंदर, इन्होंने बोला कोई भी चार्ज नहीं है भाई, ऐसा नहीं है,
चार्ज हो सकता है लेकिन नेट चार्ज जीरो हो सकता है, ये हम कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो आंसर ये होगी भाई, नेट चार्ज मे भी जीरो, नेट चार्ज मे भी जीरो बट नॉट पॉसिबल कोई भी चार्ज ना हो, चार्ज तो होगा भाई, चार्ज हो सकता है। चलो ये सवाल है अगला, अ पॉइंट चार्ज है यहाँ पे 10 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बोले एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकुलम, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे 10 माइक्रोकुलम का एक चार्ज है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें भाई, हम इसमें हम क्या करेंगे भाई, यहां से ना एक एक वो बना देंगे क्यूब, यहां से हम ऐसा क्यूब बनाएंगे जो इस चार्ज को वो कर सके। इसको हम थोड़ा सा और डायग्राम को एलाबोरेट करते हैं, इसको हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए यहां पे इस पॉइंट से यहां पे चार्ज रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इस सरफेस से, ये देखना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमें एक क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा, एक ऐसा सरफेस जो इसको कवर अप कर ले पूरा, ऐसे हम एक क्लोज्ड सरफेस बना देंगे। कुछ ऐसे क्या बन गया, क्यूब बन गया है ना। अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे आ गया सेंटर पे, कहाँ पे आ गया सेंटर पे, ये वाला पॉइंट अब सेंटर पे आ जाएगा। अब पहले देखो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इसमें से, जो टोटल फ्लक्स होगा यहाँ से जो पास, पहले वो देख लो, जो टोटल फ्लक्स यहाँ से पास होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब एक फेज से कितना पास फ्लक्स पास होगा, एक फेज से इसका 1/6 कर दोगे है ना, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। तो भाई जो एक फेज से जो टोटल फ्लक्स पास होगा 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्यू कितना है हमारे पास भाई, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइक्रो में दे रखा है ना, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसको सॉल्व कर लो, ये 54 के आसपास लेट कर लो इसको, ठीक है, 6 × 54 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा करीब, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 5 प्लस में 12 है ना, और अपॉन में 50। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो कुछ कितना आएगा, ये 0.02 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऑलमोस्ट इतना आंसर आना चाहिए, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, फिक्स्ड आंसर खुद निकाल लेना, अगर आपको लगता है कि भाई इससे फिक्स आंसर है तो आप उसको खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिक्स, तो अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, 2 माइक्रो कूलम का, कितना है पॉइंट चार्ज 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के क्यूबिक के गॉसियन सरफेस पर रखा है जिसकी एज कितनी है 9 सेंटीमीटर है। तो पूछा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सिंपल सी बात है, एक क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा अगर सेंटर पे चार्ज रखा है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉसियस लॉ लगा लोगे यहाँ पे, क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ऐसे कर लो, सॉल्व कर लो इसको, तो डिवाइड कर दो भाई इसको, इसको 9 लेट कर लेते हैं, 9 से काटोगे तो 9 दुनी 18 0.2 और 9 दुनी 18 कुछ ऐसे कट जाएगा, सो 2.2 इंटू में माइनस 6 प्लस 12 6 हो जाएगा और एक 1 यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस 1 कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के आसपास आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अगला सवाल, तो ये बड़ा शानदार है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, कहाँ पे आए थे, बोर्ड में आया था सवाल 2000 में समथिंग पूछा आया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई कर रखा है, तो पूछा कि नेट फ्लक्स क्या होगा और नेट चार्ज क्या होगा इसमें जो इनक्लोज है। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को हमने पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे हमें पता है कि अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या यहाँ पे जीरो है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो वो a j cap और a k cap के बराबर होगा, ठीक है ना, इस वाले फ्लक्स से जो ये फर्स्ट और सेकंड फ्लक्स को छोड़कर जो x की तरफ x एक्सिस की तरफ है फेस करके रखे हुए हैं उनको छोड़ के बाकी जो चार फेस है, ठीक है, उनका एरिया वेक्टर अलोंग y एक्सिस अलोंग z एक्सिस है। तो भाई अगेन यहाँ पे जो फील्ड है केवल किधर अप्लाई कर रखा है, अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है 2x i cap, तो भाई जेड एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस में फील्ड है ही नहीं,
तो भाई, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स हो जाएगा थ्रू जो जो फेसेस वाई और जेड की तरफ है उनमें जीरो हो जाएगा, तो बचा ओनली क्या, ओनली वन और सेकेंड में टोटल फ्लक्स पास होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको हम। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ समझना है आपको। जैसे इसका एरिया वेक्टर तो इधर हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये फेस है ना, ये वाला फेस ये ओरिजिन से एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसकी साइड ए है, लेट कर लेते हैं फिलहाल, अभी हम इसकी साइड ए दे रखे रहे, ठीक है। और ये वाला फेस अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ओरिजिन पे फेस है। अब देखिए इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट वाले फेस पे, वो क्या आ जाएगा, जी टू एक्स, टू एक्स का मतलब हो गया 2 × 0 i कैप, तो भाई 0 न्यूटन पर कूलम तो हो गया लेफ्ट वाले फेस पे। और राइट वाले फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट वाले फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइट वाले फेस पे होगा वो क्या हो जाएगा, 2 a i कैप हो जाएगा, ओके। और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इस केस में एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ए आई कैप, राइट। तो इस केस में जो टोटल फ्लक्स होगा वो केवल इसी वाले फेस से पास होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डॉट ए हो जाएगा, और आई डॉट आई वन हो जाता है, सो 2 a × a हो जाएगा। और एरिया क्या होता है यहाँ पे, एरिया होता है ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 2 a³ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 a³। अब इन्होंने पूछा नेट फ्लक्स, नेट जो यहाँ पे बी पार्ट है, इन्होंने पूछ लिया कि भाई इसमें टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है, टोटल चार्ज क्या होता है भाई, फ्लक्स इंटू में इप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स क्या है यहाँ पे, 2 a³ × इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही होगी क्या होती है, 8.854 × 10^-12 -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब, ठीक है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, इस तरीके से होती है वैल्यू इसकी। देखो एट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लार्ज थिन प्लेन शीट हैज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, या वर्क डन पूछ रखा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर। तो भाई यहाँ पे एक प्लेन शीट दे दिया हमें, क्या कर दिया उन्होंने, बोल दिया भाई एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है यहाँ पे, राइट, इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। अब इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को इस शीट से आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, तो पूछे कितना वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन हमें पता है क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी आर लेट कर लो, एफ डॉट डी आर, राइट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल शीट है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगा, इस तरीके से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, नेटवर्क डन क्या हो जाएगा, हम इन्फिनिटी से लेकर आर तक इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स यहां पर जो होता है क्यू इंटू में ई हो जाएगा, फोर्स क्या आ जाएगा, क्यू इंटू में ई डॉट डी आर हो जाएगा, भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो आ जाएगा इंफिनिटी टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 ε₀, हमें पता है जो एक चार्ज शीट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस करता है, सिग्मा बाई 2 ε₀, और इंटू में डी आर कॉस 180, कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये वाला कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। तो यानी कि कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 हो जाएगी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और यहां पर जो क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 ε₀ ये भी बाहर आ जाएगा। भाई यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ क्या बचा अंदर, 1 × dr बचेगा, और इंफिनिटी से लेके आर तक आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट कर दोगे, तो बस कर दो इंटीग्रेट, -q σ/2 ε₀, 1 का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा इंफिनिटी टू आर, वैल्यूज पुट कर दो, क्यू बाई सिग्मा अपॉन 2 ε₀, तो कितना आ जाएगा, आर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। आर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी समथिंग क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो भाई इतना इन्फिनिटी वर्क डन चाहिए जो कि नॉट पॉसिबल। तो भाई किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम किसी शीट के पास ला ही नहीं सकते, उसके लिए हम इतना वर्क डन कर ही नहीं सकते। चलिए अगला सवाल, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब इन्होंने बोल दिया एक वायर है जिसकी लेंथ क्या एल है, और इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी इन्होंने, लैम्डा इक्वल टू के एक्स, ठीक है भाई, पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है सपोज, ऐसे लेट कर लो, एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम द एंड ए, ओके चलो भाई कहीं से भी लेट कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहां से मेजर कर लिया इन्होंने। द वायर इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन होलो स्फीयर, ठीक है,
इन्होंने गोसियन हॉलो स्फीयर यहाँ पे बना दिया। ओके आगे क्या बोल दिया इन्होंने, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सर्फेस, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। देखो सबसे पहले इसमें देखो चार्ज कितना इंक्लूज है, चार्ज कितना है इसमें, चार्ज ऑन वायर, तो बाई डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, पूरी लेंथ यहां से जीरो से लेके एल तक लेट कर लो, इसकी लेंथ कितनी एल हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू में इंटीग्रेट कर दोगे जीरो टू एल डी एक्स तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो डी एक्स है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास के एक्स है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, के एक्स दे रखी है, तो के एक्स डी एक्स जीरो टू एल हो जाएगा। ठीक है, के बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एल होगा। ओके अब आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा के इंटू में एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, इतना तो नेट चार्ज हो गया वायर पे, इतना क्या हो जाएगा, नेट चार्ज वायर पे हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, फ्लक्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर दो, के एल स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ऐसा सवाल अभी हम पीछे करते आए हैं लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है उससे। ठीक है, और लेट्स सी कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन। चलो अब इसमें देखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंपोनेंट इन द रीजन, भाई अलोंग वाई और जेड जीरो है, तो भाई वही चार फेज जो होगा, ठीक है, अलोंग एक्स अलोंग वाई एक्सिस जेड एक्सिस जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल जो फेस होगा लेफ्ट और राइट वाला फेस यही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। इसको लेट कर लेते हैं, लेफ्ट फेस है और इसको हम राइट फेस कर देते हैं। ठीक है, राइट फेस में जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, ए आई कैप हो जाएगा, लेफ्ट फेस में एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए आई कैप हो जाएगा। ओके अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है भाई, फ्लक्स हो जाएगा फाई एल प्लस फाई आर, सीधे मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट वाले फेस के लिए एक्स की वैल्यू ए यूज करोगे, तो लेफ्ट वाले फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेफ्ट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू में ए हो जाएगा, अल्फा इंटू में ए हो जाएगा लेफ्ट वाले पे, और राइट वाले पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, राइट वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टू ए इंटू अल्फा, टू ए हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, इसीलिए तो बस फाइ एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फा ए इंटू में एरिया हो जाएगा। ठीक है, और राइट वाले फेस पे क्या हो जाएगा, अल्फा ए अल्फा टू ए, अल्फा टू ए इंटू में ए हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो क्या आ जाएगा, अल्फा ए ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा ए ए आ जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू देख लो आप, ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 100 न्यूटन पर कूलम, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 100, और ए हमारे पास कितना है, ए की वैल्यू कुछ दे रखी है तो भाई पुट कर दो, ए है 0.1। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0.1, एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब ए स्क्वायर, राइट, एरिया का मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, तो भाई पुट कर दो यहाँ पे, तो 0.1 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो कितना आ गया 100 इंटू में 10 की पावर -3, यानी कि 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना टोटल फ्लक्स पास होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है चार्ज, तो भाई टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंटू में एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है 0.1, 8.854 इंटू 10 की पावर -12, यानी कि 8.854 इंटू 10 की पावर -13 कूलम, इतना चार्ज पास होगा। आज का आखिरी सवाल है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ओके, ये माइक्रो कूलम्ब है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा एक सवाल नीट में पूछ चुके हैं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा उन्होंने, उन्होंने पोटेंशियल से लेके सवाल पूछ रखा था। 64 ड्रॉप्स है जिसकी रेडियस 0.02 मीटर है, कितने ड्रॉप्स है, 64 ड्रॉप्स। ठीक है, इनको जोड़ के एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया जा रहा है। अब इनकी रेडियस जो है 64 ड्रॉप की रेडियस 0.02 मीटर है, बड़े ड्रॉप की रेडियस हमें नहीं पता फिलहाल। हर एक पे जो चार्ज है, एक पे चार्ज 5 माइक्रो कूलम्ब है, कितना 5 माइक्रो कूलम्ब, ईच कैरिंग अ चार्ज, और इनको जोड़ के एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया है। व्हाट इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट, तो इन्होंने पूछा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना चेंज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना चेंज होगा, तो जो बिगर है यहाँ पे ड्रॉप उसका और स्मॉलर ड्रॉप का। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई 64 ड्रॉप्स है, 64 इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप।
हमें इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है भाई, ठीक है। तो 64 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब ये कट जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 64 मतलब सॉरी क्यूब रूट, क्या हो जाएगा क्यूब रूट, ये किसका क्यूब होता है, चार का होता है, 4r क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब ये कट गया यहाँ पे, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 4r के बराबर। अच्छा इतना ही छोड़ दो इसको। अब देखिए स्मॉलर सरफेस पे, स्मॉलर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, स्मॉलर सरफेस और बिगर सरफेस इनका रेशियो बताना है। स्मॉलर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन में, चार्ज अपॉन में क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया है ना, यानी कि सरफेस एरिया ए वन लेट कर लो, वहां पे क्यू वन लेट कर ले, क्यू वन क्यू लेट कर लेते हैं, और दूसरे वाले पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 क्यू अपॉन में ए टू, भाई ये तो कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/64 इंटू ए टू बाई ए वन। अब सरफेस एरिया क्या होता है, बिगर ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 4πr² है ना, 4πr² अपॉन 4πr² ये कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1/64 आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4r है ना, 4r, तो इसकी जगह 4r पुट कर दो, तो 16r² हो जाएगा अपॉन में r² कट गया ये भाई, 16 × 64 तो क्या आ जाएगा रेशियो 1:4, तो यही हमें कैलकुलेट करना था। तो देखिए ये थे कुछ आखिरी के चंद सवाल, इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो गया, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अब जो हम करेंगे कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जुड़े रहिए बने रहिए, ठीक है, और करते रहो, ठीक है। सवाल भाई न्यूमेरिकल करोगे तो फिजिक्स ज़्यादा जानने को मिलेगी, इसके पीछे क्या रीज़न वगैरह है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक ड्रॉप के ऊपर है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, कई सारे एक्सपेरिमेंट हिस्टोरिकल, एक्चुअली में हिस्टोरिकल इनका एक रिकॉर्ड रहा है, और आज हम इनको सीख के कई सारे जो इन्वेंशन है वो भी कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई क्या यूज़ है, भाई बहुत कुछ यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ होता ही रहता है, ठीक है। आज मैं आपको ट्रांजेक्ट कर रहा हूँ, कल आप किसी और को ट्रांजेक्ट करोगे, ये पीढ़ी चलती रहेगी, लेकिन जो नॉलेज है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, उसमें आपकी मेरी भागीदारी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य के बराबर भी नहीं है, आप कह सकते हो कि ना के बराबर ही है, बिल्कुल जीरो के, 0.00000 समझ लो, जितने आबादी है पूरी इस पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, उसका लगा लो कि भाई एक हिस्सा हम लोग भी नहीं है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो तक है, टाटा बाय।